मंगलवार को केंद्रीय बजट पेश होने जा रहा है और हर बार की तरह इस बार भी सभी वर्ग इस बजट से भी कुछ उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बजट के पूर्व हमने भी व्यापारी, उद्योगपति, गृहिणी एवं युवाओं से जानना चाहा कि मंगलवार को पेश होने वाले बजट में अपने अपने लिए क्या अपेक्षाएं वो रखते हैं। सभी वर्गों के लोगों ने आम जनजीवन में रोजमर्रा की वस्तुओं को सस्ती करने की बातें कही। साथ ही हर वर्ग अपने अपने दिक्कतों को लेकर केंद्रीय बजट में राहत मिलने की अपेक्षा रखते नजर आए। देखिए कि आज की स्थिति से कितना असर एक व्यक्ति पर पड़ा है और वे केंद्रीय बजट में क्या चाहते हैं। युवा होने के नाते सबसे पहले मेरा एक डिमांड है मोदी जी से कि रोजगार पे ध्यान दिया जाए। आज सब रोजगार, सब पढ़ाई करके घर बैठे हैं और कोविड महामारी के कारण जिनको अगर हायर एजुकेशन के लिए भी जाना है वो भी नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ अपने देश में भी जॉब नहीं है, जॉब और कम होते जा रहे हैं। मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि रोजगार बढ़े। रोजगार बढ़ेगा तभी देश की आर्थिक व्यवस्था सुधरेगी। और दूसरा डिमांड ये है सर, डे बाई डे हम लोग देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल, गैस, इसके रेट रैपिडली वो हाई होते जा रहे हैं, कम हो नहीं रहा, जिसके कारण हमारे डेली यूज के प्रोडक्ट्स पे सब पे रेट बढ़ते जा रहे हैं, कोई भी चीज़ कम नहीं हो रहा। और बेरोजगार हूँ उसके कारण मेरे जेब पे बहुत बुरा असर पड़ता है इसका। सर अगर मेरा, मैं फॉरन एग्जांपल, मेरे को अगर कोचिंग क्लास के लिए जाना है, कोचिंग क्लास की फीस अगर 1000 है, तो अब मेरे को अपने बाइक से जाना है तो वो कोचिंग फीस मेरे को 2500 प्लस पड़ रही है। उससे मेरा पूरा एजुकेशन, अभी तो जॉब है नहीं, जेब में पॉकेट में पैसा नहीं है, घर में भी गैस का दाम बढ़ने से बहुत असर पड़ा है, क्योंकि सर होम लोन, EMI वो तो सेम है एज इट इज़ है, लेकिन जो इनकम है वो बहुत स्लो हो चुका है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखते हुए बजट लाया जाए, जिससे थोड़ा सा सब प्रोडक्ट्स पे GST को रिवाइज करें, थोड़ा प्रोडक्ट सस्ते हो, पेट्रोल सस्ता हो, जिसके कारण घर में फिर से इनकम दिखे। अभी ऑनलाइन सामानों को बढ़ावा मिल रहा है, तो हमारे, मेरे फादर का शॉप है, ऑनलाइन बढ़ावा होने के कारण शॉप में इनकम डायरेक्टली हाफ हो गया है। एक कोविड के कारण भीड़ कर नहीं सकते मार्केट में, जिसका असर पड़ा है शॉप में। सर जितना होता था आज से 2 साल पहले, उसका इनकम डायरेक्टली हाफ या उससे भी आधा हो चुका है। सर सबसे पहले तो मैं अपने किचन को ही सोचूंगी कि अगर मेरे किचन में, किचन का हालत इतना खराब हो चुका है कि कुछ समझ ही नहीं आता कि हम क्या करें और क्या बनाएं क्या नहीं बनाएं। जहाँ 2 सब्जी, दाल चावल रोटी बनता था, वहाँ तो बिल्कुल चाहे 1 सब्जी से खा लो या दाल से खा लो, बस एक जो बोला जाए तो थाली की सूरत ही बिगड़ी हुई है। हमको खुद को भी नहीं अच्छा लगता है कि ऐसा कब तक चलेगा। और दिन प्रतिदिन तो देख ही रहे सर, कोविड महामारी के कारण मार्केट की स्थिति, ऑनलाइन शॉपिंग ज़्यादा हो गई है और मार्केट की हलचलें कम हो गई हैं, तो ये एक आम जनता पे बहुत ही असर पड़ रहा है। और EMI जो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो कम करना चाहिए उनको। और जो आम आदमी की ज़रूरत की सामानें हैं उन पर GST स्लैब को करीब रिवाइज थोड़ा सा करना चाहिए, उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए, रोजगार पे बढ़ावा होना चाहिए, बोला जाए तो एजुकेशन लोन भी थोड़ा सस्ता होना चाहिए ताकि हमारे मिडिल क्लास के लोग एक हायर एजुकेशन ले सके। जैसे एक स्टार्टअप बिजनेस अगर हमको करना भी है सर, तो उसके लिए थोड़ा सा सपोर्ट ज़्यादा मिलना चाहिए। सर इसी के कारण तो हमारे घर का बजट बिगड़ा हुआ है, पेट्रोल डीजल और गैस की वजह से ही तो सारा बजट बिगड़ा हुआ है। अगर यही सब की सुधार हो जाए सर, तो थोड़ा सा किचन की स्थिति तो बिल्कुल सुधर जाएगी। बच्चे रो पड़ते हैं कि मम्मी ये क्या बनाइए करके, तो ऐसी स्थिति हो गई है। तो किचन ही अगर हमारा सही नहीं रहेगा, तो अगर हम शरीर को ही सही नहीं रखेंगे तो हम आगे काम क्या करेंगे सर। तो क्या चाहती है मोदी जी से बजट में? बजट में बस यही है कि थोड़ा सा एक ऑनलाइन शॉपिंग जो है उसके कारण मार्केट का धंधा स्लो है और कोविड के कारण लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो थोड़ा सा मार्केट में हलचल होने के लिए उनको कुछ करना चाहिए। पेट्रोल डीजल का रेट कम होना चाहिए, गैस का तो हालत देख ही रहे, हर घर में परेशानी है। यानी गैस, अगर 2 सब्जी अगर है भी तो बनाने में गैस लगेगी, तो गैस का स्थिति ऐसा हो गया कि हम नहीं कर सकते उतना बजट, उतने बजट में हमारा बिल्कुल मुश्किल हो रहा है। जहाँ हमारे मिनिस्टर 10,000 ला के देते थे, आज 5,000 दे रहे हैं, और सबके खर्चे तो वैसे ही हैं, और EMI वही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट वही है, कहीं कोई चीज़ की कमी नहीं हुई है सर। इस बार के केंद्रीय बजट में बहुत अपेक्षाएं रहेंगी, क्योंकि MSME उद्योग जो है वो बहुत ही खराब हालत में आ चुका है,
ये तो पिछले जो कोविड है 2 साल से चल रहा है, 2 साल से पहले भी बहुत खराब हालत में था और आज कोविड के कारण ये बिल्कुल ही खत्म होने की कगार में है। हमारी अपेक्षाएं ये रहेंगी एमएसएमई उद्योगों की कि जो कोविड में जो कोविड लोन दिए गए थे, सबसे पहले तो उसमें जो ब्याज दर जो लग रही हैं उसको माफ़ किया जाए ताकि उद्योग खड़े हो सके, और जो एमएसएमई उद्योगों को जो आज लोन दिए जा रहे हैं वो कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में दिए जाए ताकि जो उद्योग आज बंद होने की कगार में हो चुके हैं कोविड के कारण, वो अपने आप में खड़े रहें। दूसरी हमारी अपेक्षा ये है कि आज जो एमएसएमई उद्योग है उनको रॉ मटेरियल मिलता है, एंगल, चैनल, प्लेट, उसके रेट्स की कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। वो आज पिछले 2 सालों में 100% से ऊपर बढ़ गए उनके रेट, जो जिसके कारण आज उद्योग और बंद होने के कगार में आ गए हैं, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ने की पूरी संभावना है। हमारी केंद्रीय सरकार से ये अपेक्षा है कि इन जो रॉ मटेरियल के रेट हैं उनको जल्द से जल्द यूनिफॉर्म किया जाए और उनकी उन रेटों को कम किए जाए ताकि जो उद्योग आज बंद हो रहे हैं वो अपने आप में खड़े रह सके, बेरोजगारी जो आने की संभावना है वो ना हो और उद्योग आगे चल सके, क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से केंद्रीय सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो उनको बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है जिससे इस देश का विकास होता है। देखिए, सभी व्यापारी समाज का ये मानना है कि कोविड के मार्च 2020 के बाद से, पहले लॉकडाउन के बाद से, कोविड के कारण व्यापारी समाज को बहुत ज़्यादा क्षति और कोविड की लहर ने काफ़ी डैमेज किया है उन चीज़ों को। तो सभी व्यापारी वर्ग एक आशा भरी नज़रों से केंद्र सरकार की ओर देख रहा है कि टैक्स में कटौती को लेकर, GST में जो विसंगतियाँ हैं उनमें कुछ सुधारों को लेकर, और व्यापारी समाज को प्राथमिकता दे केंद्र सरकार, ऐसा हम लोगों का मानना है। क्योंकि MSME में अभी ट्रेडर्स को भी उन्होंने जोड़ा है, एक बहुत अच्छा सराहनीय कदम था लास्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट का, और व्यापारी समाज को MSME में जो अन्य सुविधाएं MSME के माध्यम से अन्य वर्ग को मिल रही हैं वो रिटेलर्स को और ट्रेडर्स को, व्यापारी समाज को मिलनी चाहिए। एक टैक्स में छूट का बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरीके से अभी इन 2-3 वर्षों में 5 वर्षों में जो बदलाव हुए हैं टैक्सेशन को लेकर, GST आया उस कारण से, और सरकार चाहती है कि व्यापारी ज़्यादा से ज़्यादा एक नंबर की ओर, पक्के काम की ओर बढ़े, और हम लोग भी सभी व्यापारियों को प्रेरित कर रहे हैं कि ये जंजाल को दूर करके अपने काम को बिल्कुल ट्रैक रिकॉर्ड पर रखें, बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ें। तो केंद्र सरकार को भी उसमें टैक्सेशन को लेकर एक स्लैब और एक अच्छी वर्किंग बना के व्यापारी समाज को देना चाहिए ताकि लोगों में प्रेरणा आए और प्रेरित हों लोग आगे बढ़ने के लिए।